नेशनल हेरल्ड अखबार ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी अहम भूमिका निभाई। ये स्वतंत्रता संग्राम की एक धरोहर है देश के पास और कांग्रेस पार्टी के पास। ये दुर्भावना से सरकार ने काम किया, एजेंसीज का दुरुपयोग किया, क्योंकि इनको स्वीकार्य नहीं है ना तो इस देश का सही इतिहास, संघर्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुर्बानी, और उन्होंने जो एक मजबूत नेतृत्व इस देश को दिया। शर्म की बात है, नरेंद्र मोदी जी को शायद किसान की पीड़ा का नहीं पता जो जवाहरलाल नेहरू को पता था। जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में सबसे पहले किसानों की बात कही थी। वो मोदी जी की तरह हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर में नहीं जाते थे किसान से मिलने, वो सड़क से जाते थे, रेलगाड़ी से जाते थे, घोड़ागाड़ी से जाते थे, कार से जाते थे। और उसके बाद जो 1929 का लाहौर का सेशन हुआ, उसमें जवाहरलाल नेहरू की स्पीच में किसानों के बारे में कहा गया, जमींदारी के खिलाफ बोला गया। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे फैजपुर सेशन में 1937 में, जब ऑल इंडिया किसान सभा का प्रस्ताव पारित हुआ और ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई। तो दुर्भाग्य है भारत का कि देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के संग्राम के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते।